आज मैं आपको बताऊंगा रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर इसके कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपको माधवी मैडम बताएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं माधवी राव। इससे पहले मैंने आपको सिंगल फेज मशीनों के बारे में बताया है, आज थ्री फेज मशीनों के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आपने बहुत सारे थ्री फेज मशीन देखे, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखा, थ्री फेज अल्टरनेटर देखा, थ्री फेज जनरेटर सब देखे। तो ये एक ऐसा मशीन है जिसका नाम है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर। जो आप देख रहे हैं ट्रेनर के, इसमें सभी प्रकार के प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जैसे डीसी मोटर से रिलेटेड प्रैक्टिकल, डीसी जनरेटर से रिलेटेड प्रैक्टिकल, अल्टरनेटर से रिलेटेड प्रैक्टिकल। इसमें अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। ये एक ट्रेनर किट है जिसमें आपको अलग अलग वोल्ट मीटर दिख रहे हैं, एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, एसी एमीटर, डीसी एमीटर, इनपुट स्विचेस, आउटपुट स्विचेस, वेरिएबल आपको वेरिएबल स्विचेस मिल रहे हैं जिसे आप वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, और डीसी मोटर है जिसमें आप अलग अलग इनपुट सप्लाई दे रहे हैं वेरिएबल से वेरी करके। फिर उसके बाद में आपको एक रोटर सेट दिख रहा है, अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं इसको, जनरेटर भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक तरफ आपको एसी सप्लाई मिलेगा और दूसरी तरफ आपको डीसी सप्लाई मिलेगा। आप एक बार इधर आपको अलग दो ठो वेरिएबल स्विच दिख रहे हैं जिससे आप अलग अलग डीसी सप्लाई वेरी करके एसी टू डीसी कन्वर्ट करके आप सप्लाई दोगे, ठीक है। आप जो एसी सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं वो वेरिएक में जाता है, इस वेरिएक से आपको क्या मिलता है, इस वेरिएक से जो आउटपुट मिलता है, एसी आउटपुट मिलता है, उसे हम देते हैं रेक्टिफायर में। वो रेक्टिफायर क्या करता है, उस रेक्टिफायर से हमें डीसी मिलता है और उस डीसी सप्लाई को हम इस डीसी मोटर में देते हैं। ये इनपुट के लिए है और ये आउटपुट के लिए, दो वेरिएक है हमारे पास, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। ये अलग अलग स्विचेस दिए हैं, ये स्विचेस इनपुट के लिए और यहाँ पर जो स्विचेस हैं ये आउटपुट के लिए। इसके बाद ये मोटर है हमारा, डीसी मोटर है, इसको आप डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी मोटर के तरह यूज कर सकते हैं। ये मोटर एक्चुअली हमारे प्राइम मूवर का कार्य करता है। ये क्या करता है, आपके मोटर या अल्टरनेटर के रोटर को घुमाता है जिससे आपको एसी सप्लाई या फिर डीसी सप्लाई मिलती है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर स्लिप रिंग लगा हुआ है, स्लिप रिंग लगे हुए हैं, इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं। इस स्लिप रिंग से आपको एसी पॉइंट मिलेगा, एसी सप्लाई मिलेगा। और इसके दूसरे भाग में देखेंगे आपको कम्यूटेटर दिख रहा है जो कि डीसी सप्लाई आपको दे रहा है। ये कम्यूटेटर पार्ट है जहाँ से आपको डीसी सप्लाई मिलेगी। कार्बन ब्रश के लीड्स हैं, ये एसी आउटपुट के लिए, और ये जो ऊपर ब्लैक लीड्स दिख रहे हैं वो आपके डीसी आउटपुट के लिए। इस ट्रेनर किट का आप मैनुअल पर ध्यान देंगे, इसमें बहुत अच्छे पार्ट्स दिए हुए हैं, स्टेटर के अलग अलग इसमें डायग्राम दिए हुए हैं, रोटर भी दिया हुआ है, इसके साथ अन्य जो पार्ट्स हैं वो भी उसके बारे में भी बताया गया है, उसकी पूरी बॉडी के बारे में भी दिया हुआ है। ये सब आपका किट है, इससे आप इस एक किट से आप बहुत सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे हमें अल्टरनेटर, डीसी मोटर या फिर अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर, सबके अलग अलग प्रैक्टिकल करने रहते हैं, तो हम इसके लिए अलग अलग मोटर यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक मोटर से बहुत सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे अल्टरनेटर की स्टडी करना, सिंगल फेज अल्टरनेटर की स्टडी करना, थ्री फेज अल्टरनेटर की स्टडी करना, कंपाउंड मोटर, जितने भी डीसी मोटर है उन सबके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अल्टरनेटर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब एक बार इस मोटर को अपन चालू करके देखते हैं इस सिस्टम को। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ थ्री फेज सप्लाई दिया हुआ है, थ्री फेज सप्लाई को चालू करने के लिए तीन स्विच है, सॉरी एमसीबी को ऑन करते हैं, फिर स्विच को ऑन करते हैं, तो देखते हैं आप, देखिए सप्लाई दिखा रही है और आपकी मोटर चलने लग रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट डीसी सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ाते हैं वेरिएबल वेरिएक के द्वारा, तो देखेंगे आप धीरे धीरे वोल्टेज तो बढ़ी है, उसके साथ करंट भी बढ़ेगी बड़ा। और आपका मोटर चलने लगा है, प्राइम मूवर चल रहा है, प्राइम मूवर के थ्रू आपका अल्टरनेटर चल रहा है। अब इसके कॉन्टैक्ट थोड़े लूज हैं इसलिए हम इसको कॉन्टैक्ट को टाइट फिक्स करते हैं और बड़ा। आप देखेंगे कि यहाँ वोल्टेज रेटिंग दी हुई है, इसको वोल्टेज रेटिंग दी हुई है, आउटपुट चेक कर रहे हैं।
के लिए। अगर हम लोड को ऑफ करते हैं तो स्पीड आपकी बढ़ती है, और अगर लोड अधिक लगाते हैं आप, ठीक है, अब लोड हमने सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया है तो स्पीड बढ़ गई। अब अगर हम लोड लगा रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है। तो आपने देखा इस प्रकार कनेक्शन किया और हमने थ्री फेज सप्लाई दिया, उसके बाद आउटपुट सप्लाई में एसी सप्लाई भी मिला और हमें डीसी सप्लाई भी मिला। तो आगे अगर आपको देखना है तो इसके कनेक्शन कैसे करना है तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।